को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल अभी बैठक हम लोग आज बुलाए हैं और हम गठबंधन के धर्म निभा रहे हैं, इसलिए कि जनता ने हमें गठबंधन का आशीर्वाद दिया है और इस मीटिंग के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास में हम लोग जाएंगे, वहाँ यूपीए घटक दल की बैठक होगी और वहाँ पर जो निर्णय होगा दिखाई देगा। सर क्या कल के लिए कोई रणनीति आप लोगों की? कोई रणनीति नहीं है, हम लोग रणनीति कौन चीज के लिए, रणनीति है नियम कानून के तहत होता है सब कुछ, रणनीति हमारा कुछ नहीं है। हमारा यही है कि हमको सब जनता जो है हमको चुना है और जनता हमको 5 साल के लिए राज हमारे हाथ में सौंपा है, हम चाहते हैं कि जनता के अनुरूप काम करेंगे और इसमें जो दिक्कतें हैं कमी है जो अभी हो रहा है जिस परिस्थिति उस परिस्थिति से उबरने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर तो कल मुख्यमंत्री के साथ आप लोग भी जाएंगे? ये सवाल कैसे आप लोग कर रहे हैं भाई, उनको बुलाए, पूरा दल को तो नहीं बुलाए। अभी तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई परिस्थिति बनी नहीं। सीएम कल जा रहे हैं और आज यूपीए की बैठक बुलाई गई है, कुछ टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन, हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। हमने पहले कहा कि ये जो गठबंधन किसी एक दल का नहीं चुना है, ये गठबंधन का चुना है, कांग्रेस को ना झारखंड को ना आरजेडी को चुना है, ये गठबंधन जो है विधायक जितने हैं सब गठबंधन के तहत ही चुना गया है, इसीलिए हमारा धर्म होता है। सर जब राहुल जी से सुनने से पूछताछ हुई थी तो आप लोग गए थे ये करा रहे थे, मार्च किया था? देखिए पुरानी बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, आप वर्तमान परिस्थिति बनाया उनके बोले ना, हम अभी कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो अपने नेताओं के लिए मर मिटते हैं, तो कांग्रेस में ऐसे नहीं लाखों ऐसा वर्कर मिलेंगे जो राहुल और सोनिया जी के नाम पर मन मिटेंगे। पार्टी ने क्या किया? अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी पहले विधायक दल की बैठक थी और उसमें हम लोगों ने जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा की है, किस तरह से एक साजिश के तहत काम चल रहा है उस पर चर्चा की है कि कैसे लोकतंत्र को बचाना है, कैसे जो जनमत को किसी को लूटने नहीं देना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। विधायकों को ये भी डर है कि ईडी उनके घर भी पहुंच सकती है? नहीं, ये सब कोई डरने की बात नहीं है, अब ईडी की कोई बात रह गई है क्या, इसमें डरना किससे क्या है, लोकतंत्र में किसी से कोई डरता नहीं, सिर्फ जनता सर्वोपरि होती है, जनता से डरते हैं कि जिस जनता ने हमें चुन के भेजा है और पूरी सरकार बनाई है उस जनता के जनमत को हम नहीं लूटने देंगे। विधायकों को क्यों आपने रांची में एकत्रित कर रखा है? बिल्कुल, अरे जब जो जनता सरकार चुन के बनाई है और उसको कोई लूट लेगा तो उस समय भी विधायक इकट्ठा होकर के उसका सामना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल की रणनीति क्या होगी के सामने जाएंगे, उन्हें बुलाया गया है तो अब कल आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? नहीं देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया है ईडी ने, अब उनके प्रति लोगों की एक श्रद्धा है, उस निमित्त भी कई लोग जाएंगे, क्या रणनीति बनती है उस पर तय होगा, अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। ये जरूर है कि लोगों की सहानुभूति मुख्यमंत्री जी के साथ है कि किस तरह से षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश के तहत उनको कहीं ना कहीं अस्थिर अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जनता ने सरकार बनाई है तो जनता को चिंता है इस बात की, तो जनता हो सकता है सड़क पर उतरे। तो सर आज पूरे विधायक नहीं थे? पूरे विधायक कांग्रेस नहीं, सभी विधायक हैं, चिंता मत कीजिए, वो किसी और कार्यक्रम में थे, विधायक मंत्री का कार्यक्रम भी साथ में चलता रहता है, वो आ रहे हैं वहाँ पे यूपीए की बैठक, उसमें सभी लोग शामिल होंगे।